यहां पर चल रहा है एक खास तरीके का परीक्षण। तेज रफ्तार में ट्रेन को दौड़ाया जा रहा है, CCRS इंस्पेक्शन चल रहा है। आखिरकार ये खास परीक्षण क्यों हो रहा है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं अंबाला के DRM। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो उनके अधिकारी उनके कर्मचारी लगातार काम करने में लगे हुए हैं, और छोटा मोटा काम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, हैवी काम है, उसको वो लगातार कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं अंबाला डिवीजन के DRM GM सिंह जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या अनोखा काम कर डाला है। क्योंकि आज की अगर हम बात करते हैं तो आज एक ऐसा काम हुआ है कि एक नए रूट पर, एक की बात नहीं हम कर रहे हैं, दो दो नए रूट पर एक तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और उसका हम कह सकते हैं CRS सर्वे भी हो चुका है। GM सिंह जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। सर, क्या अलबेला काम है आपका ये? शुक्रिया सिद्धार्थ जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, अंबाला मंडल एक नॉर्दर्न रेलवे का सबसे एक नंबर का फूड ग्रेन लोडिंग डिवीजन है। इसमें हमारे पंजाब के करीब 20 के करीब स्टेशन आते हैं, जहाँ से तकरीबन हर रोज या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फूड ग्रेन पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के लिए फूड ग्रेन की लोडिंग होती है। FCI की सारी लोडिंग अंबाला मंडल या फिरोजपुर मंडल से ही संचालित होती है। तो ये दो डिवीजन कोरोना के काल के लिए फूड ग्रेन की आपूर्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसमें हमारे दो मेजर सेक्शन है, एक लुधियाना जाखल हिसार होते हुए कांडला पोर्ट मुंबई की तरफ एक रूट निकल जाता है, वो बहुत बड़ा ट्रंक रूट है। उस रूट में एक मेजर पैच था लुधियाना से लेकर जाखल के बीच में, जो एक 60 किलोमीटर का स्ट्रेच था, वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन था। उसके अलावा सारा सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। यहाँ से आपको अगर जम्मू से या अमृतसर से गाड़ी चलनी हो, लुधियाना दूरी जाखल होते हुए दिल्ली होते हुए, तो इलेक्ट्रिक रूट पे चली जाती है, या हिसार होके आगे रिवाड़ी होते हुए इलेक्ट्रिक रूट पे गाड़ी चली जाती है। और इसमें काफी कंटेनर का ट्रैफिक हमारे पास है, फूड ग्रेन के अलावा कंटेनर का भी बहुत बड़ा ट्रैफिक है, जो एक्सपोर्ट ट्रैफिक है। तो इस ट्रैफिक को हमें पहले इलेक्ट्रिक इंजन से चलाना पड़ता था, फिर उसके बीच में डीजल लगा के इसको उस 60 किलोमीटर के आइलैंड को पार करवाना पड़ता था, फिर जाके दिल्ली से फिर इलेक्ट्रिक लग जाता था। तो इसमें टाइम का वेस्टेज होता था बहुत ज्यादा। और हमारे दो मेजर कंटेनर टर्मिनल भी इस सेक्शन पे थे लुधियाना दूरी के बीच में, एक किला रायपुर है और एक अहमदगढ़ है। अहमदगढ़ एक पंजाब लॉजिस्टिक कंपनी है, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक टर्मिनल बना हुआ है, वो भी फूड ग्रेन लोडिंग भी करते हैं। और कंटेनर कॉर्पोरेशन के किला रायपुर में दो टर्मिनल्स हैं, अडानी का है, एक हिंद टर्मिनल का है, वो भी सारा एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजते हैं। तो इनके लिए ये सेक्शन काफी पहले से काम पूरा हो चुका था, लेकिन कोरोना बीच में आने की वजह से इनका जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का एक मैंडेटरी इंस्पेक्शन रहता है, वो पेंडिंग हो गया था। तो उसके कारण क्या हो रहा था, पिछले 3-4 महीने से एसेट्स डिटीरियोरेशन भी हो रहा था। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो रेलवे की ये फर्स्ट प्रायोरिटी हुई इनको, इस सेक्शन को दोबारा, इसकी जो भी कोई कमी पेशी रह गई है इसको करके एकदम इलेक्ट्रिक रूट के लिए फिट किया जाए। तो वो 14 तारीख को 60 किलोमीटर का चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने आके इंस्पेक्शन किया, और ये पहली बार हुआ होगा 60 किलोमीटर में करीब 40 किलोमीटर जो रूट है उन्होंने ट्रॉली में किया, ताकि कोरोना से किसी को भी कोई संक्रमित ना हो जाए। क्योंकि हमें क्लोज स्पेसेस में एयर, अदरवाइज जो होता था एयर कंडीशनड सैलून में या विंडो इंस्पेक्शन कार होती थी, उसके बीच में ही इंस्पेक्शन होता था, जगह जगह रुक रुक के चेकिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार कोरोना होने की वजह से पूरी टीम जो है अलग अलग ट्रॉलीज में चली है, मोटर ट्रॉली में, ताकि खुली हवा में हम लोग चल सके, डिस्पाइट 40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद 40 किलोमीटर का स्ट्रेच मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उन्होंने करा। और उसके बाद उसका स्पीड ट्रायल किया गया, हमारा सेक्शन 100 पे फिट था, लेकिन वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा इसको 110 किलोमीटर की स्पीड बनाने के लिए प्रपोजल अब तुरंत भेजिए, हम हाथों हाथ अप्रूव कर देंगे इसको। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ, एक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ सेक्शन का, और उसके बाद एक स्पीड बढ़ाने का भी हमें एक मौका मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन में ये जो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट वेस्टर्न DFCCIL के रूट का एक फीडर कॉरिडोर है। बेसिकली रिवाड़ी से जाके वेस्टर्न कॉरिडोर शुरू हो जाता है DFCCIL का, और उसके कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग रूट था ये।
इसी तरीके से ईस्टर्न कॉरिडोर जो हमारा सानेवाल से अम्बाला होते हुए और सहारनपुर होते हुए खुर्जा होते हुए ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की तरफ निकल जाता है, उसको राजपुरा से कनेक्ट करना था। राजपुरा से बठिंडा लाइन हमारी सबसे ज्यादा फूड ग्रेन लोडिंग है, इसमें करीब 10 या 12 जो हमारे लोडिंग पॉइंट्स हैं पंजाब के, जहां से फूड ग्रेन हर रोज लोडिंग होती है। तो उसके बीच में 70 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो धूरी से लेकर लहरा मोहब्बत तक था। ये स्ट्रेच जो है नॉन इलेक्ट्रिफाइड था, इसकी अप्रूवल नहीं हुई थी, उसको भी कल की डेट में उसको भी अप्रूवल उन्होंने इंस्पेक्ट किया और अप्रूवल शाम को हमें अम्बाला छोड़ने से पहले वो हमें राइटिंग में अप्रूवल दे गए। ये बहुत रेयर होता है, सेम डे सीआरएस इज सो हैप्पी विद दी प्रोजेक्ट की काम होने की इतनी सेटिस्फेक्शन उनको मिली, उन्होंने शाम को यहाँ से अम्बाला से रवाना होते शाम को 10 बजे हम लोगों को अथोराइजेशन लेटर जो है सौंप ले जाए। नहीं तो नॉर्मली 2 या 3 दिन के बाद कुछ चेक नोट्स के साथ या ये चीज पूरी होगी तो उसके बाद गाड़ी चलाने की परमिशन मिलेगी। उन्होंने कहा आज शाम से आप गाड़ी चला सकते हैं और आज हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलानी शुरू कर दी। सिंह साहब ये तो बड़ा जोरदार काम हो गया, लेकिन एक चीज हमारे दर्शकों के दिमाग में निश्चित तौर पर उठ रही होगी, जो सीसीआरएस क्या देखते हैं, किस तरीके की चीजें देखते हैं, क्योंकि काम तो आपने कर दिया, उसके बाद सीसीआरएस का काम क्या होता है, वो क्या चेक करते हैं? जैसे आपको पता होगा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को रिपोर्ट करते हैं। इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम है, ये रेलवे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करते ताकि इनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई सवालिया निशान ना लगाया जा सके। तो सब पे पर्क्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिसाइड करती है। तो इनका बेसिक होता है ट्रैक इज सेफ, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज एडुकेट है इलेक्ट्रिफाइड रूट में, और जो रस्ते में गेट्स हैं या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे जैसे रोड क्रॉस करेगा तो रोड क्रॉस करने के टाइम में एडुकेट रोड यूजर के लिए प्रिकॉशंस हैं, अगर कोई तार टूट जाती है तो उसको कैसे हटाना है, क्या प्रिकॉशन लेनी है वहाँ रेलवे के स्टाफ ने, और गेटमैन को कैसे अलर्ट करना है, कैसे आग लगने से या किसी भी पैसेंजर को या रोड यूजर को करंट ना लग जाए, उसी की चीजों के बारे में काउंसलिंग प्रॉपर कर दी गई है कि नहीं कर दी गई है। और बाकी जो सब स्टेशन हैं बिजली के उनमें सब सेफ्टी फीचर्स इन्वॉल्व हो गए हैं ताकि एक तरह का फेल सेफ सिस्टम पब्लिक के लिए हो, इसमें अपने आप ही कोई इसमें कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो या कुछ हो तो एक सिस्टम अपने आप ट्रिप कर जाए। तो ये सारी चीजों की स्टाफ लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अर्थिंग प्रॉपर है, हर जगह हर इंस्टॉलेशन अर्थिंग है, रेलवे स्टाफ को कोई करंट ना लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये सारी चीजें एक एक करके वो अपने चेक नोट सुनके हैं उसके हिसाब से जांच करते जाते हैं, और स्टाफ की नॉलेज रूल्स के बारे में टेस्ट करना, ऑफिसर की नॉलेज रूल के बारे में टेस्ट करना, वो सारा डिटेल में प्रोसीजर है उसका। साहब एक आखिरी सवाल है, अगर ये दोनों रूट आपके तैयार हो गए, अब इनसे क्या फायदा क्या होगा, एकदम सीधा सीधा अगर हम फायदा आम आदमी को देखें तो क्या होने जा रहा है या पंजाब को क्या फायदा होने जा रहा है? एक तो सबसे ज्यादा आपको पता है इलेक्ट्रिफिकेशन होने से इको फ्रेंडली है, डीजल का बिल्कुल अभी तक हमारे डिवीजन में 65% इलेक्ट्रिक रूट था और 30% के करीब जो है डीजल रूट था, तो डीजल इंजन ऑलमोस्ट इलिमिनेट हो जाएगा, जो एक पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जो पर्यावरण को लेकर, वो एकदम क्लीन एनर्जी से गाड़ियां चलेंगी और मूवमेंट फास्टर होगा, और ट्रैक्शन चेंज करने में या 20 मिनट आधा घंटा चेंज करना पड़ता है वो ट्रैक्शन चेंज करने का टाइम खत्म हो जाएगा और गाड़ी एक सीमलेस तरीके से जम्मू से चलेगी और दिल्ली इस रूट से होते हुए चली जाएगी। सिंह साहब आपको इस काम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे भी इसी तरीके का कुछ काम जो हो वो लोगों के सामने लाते रहिए। न्यूज स्टेशन की तरफ से आपको धन्यवाद। तो न्यूज स्टेशन इसी तरीके से आपको रेलवे की तमाम चीजों को, तमाम घटनाओं को, जो भी डेवलपमेंट होंगे उनको लगातार दिखाता रहेगा। देखते रहिए न्यूज स्टेशन, हम दोबारा फिर आएंगे नई खबर के साथ।